जून जी, ये तो अगर आप मांगा और एनिमेज में थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं तो आप ये नाम ऑलरेडी जानते होंगे। जूनजी इतो को वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी मांगा आर्टिस्ट में से एक माना जाता है, जहां उनके मांगा क्रिएशंस में उनकी आर्ट और ड्रॉ करने का तरीका उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जूनजी इतो की आर्ट इतनी ज्यादा डिटेल्ड और वियर्ड होती है कि सिर्फ ड्रॉइंग से जूनजी इतो आपको डरा देते हैं। जूनजी इतो की स्पेशलिटी है शॉर्ट मांगा लिखना, जो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, और ये इंस्पायर्ड होता है जापानीज फोलक्लोर से, जहाँ स्टोरी में दिखने वाले मॉन्स्टर्स और घोस्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, और ये सारी स्टोरीज जब एंड होती है तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और यही चीज स्टोरी को बहुत ज्यादा क्रीपी बना देती है, क्योंकि आप सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ स्टोरी में। वैसे अगर आपने जूनजी इतो की मांगा को नहीं पढ़ा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार चेकआउट जरूर कर ले। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए 2018 में एक एनिमे को लाया गया था, और 2023 में नेटफ्लिक्स ने भी इस एनिमे को अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया। तो आज हम 2018 वाले एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे, और इस वीडियो में हम टोटल 3 एपिसोड को कवर करेंगे, जिसमें पर एपिसोड 2 स्टोरीज है, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो नेक्स्ट एपिसोड भी जरूर कवर किए जाएंगे। एपिसोड 1, सोचीज कन्वीनियंट कर्स हेल्ड ऑल फ्यूनरल। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को एक जंगल में देखते हैं। इस बच्चे का नाम सोची है। सोची एक वोडो डॉल पे नेल्स मार रहा है, और दूसरी तरफ हम एक बच्चे पे इन नेल्स का असर होते हुए देखते हैं। ये बच्चा दर्द से गिर जाता है, और अगले दिन हम सोची को उसके क्लास में बैठे देखते हैं, और वो खुद से ही बात कर रहा होता है। उसके क्लासमेट्स उसके बगल में ही उस लड़की की बात कर रहे होते हैं जिसे हमने दर्द से गिरते हुए देखा था स्टार्टिंग में। वो क्लासमेट ये बोलती है कि स्कूल से घर जाते वक्त उस लड़के को काफी दर्द होने लगा अचानक, और उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ये सुन के सोची हंसने लगता है, क्योंकि कल रात उसी ने ये सब किया था उस लड़के के साथ वुडो डॉल के जरिए। आगे सोची खुद से ही बात करने लगता है और कहता है उस लड़के को कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने उस लड़के को कर्ज कर दिया। लेकिन उसे सब लोग पसंद करते हैं, स्पेशली क्लास की लड़कियां उससे बहुत पसंद करती हैं। मगर सच्चाई में सोची एक क्रीपी बंदा है जिसका कोई भी दोस्त नहीं है और उसे कोई भी पसंद नहीं करता। अब इतने में ही स्कूल के बाहर दो स्टूडेंट्स अकियामा और कुरुदा लड़ने लगते हैं, और कुरुदा अकियामा को मारता है, और ये देखकर सोची भी बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे अपना दूसरा विक्टिम मिल चुका है। अब स्कूल से घर आते वक्त वो एक फ्रॉग को जमीन से निकालता है, और खुद से ही बातें करते हुए ये बोलता है कि फ्रॉग्स हाइबरनेशन करते हैं ठंड में, और इसलिए ये फ्रॉग जमीन के अंदर था, और यही वो कुरुदा के साथ करने वाला है, उसे कर्ज कर देगा हाइबरनेशन करने के लिए। अब सोची अपने घर आ जाता है, और उसके घर में बाकी सभी लोग नॉर्मल हैं सिवाय सोची के। उसे टीवी देखने के लिए भी इनवाइट किया जाता है, मगर सोची बोलते हैं वो उसे हेट करते हैं। फिर वो अपने रूम जाता है, जहां से वो फ्रॉग को निकालता है और अपने सिस्टर सायुरी को डराने लगता है, लेकिन सोची का बड़ा भाई कोइची उसे रोकता है। फिर रात में वो फॉरेस्ट जाता है और कुरुदा के लिए बनाए वुडू डॉल को जमीन में दफना देता है, ऐसे वे में कि डॉल का सिर्फ सर ही बाहर होता है। इसके बाद हम 2 दिन आगे जाते हैं, जहाँ स्कूल में सभी स्टूडेंट्स ये डिस्कस कर रहे थे कि कुरुदो 2 दिन से गायब है। ये सुन के सोची फिर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फॉरेस्ट के केयर टेकर को, जो कि परेशान हो चुका है वुडू डॉल्स को बार बार जंगल में देखने से। उसे लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। तभी उसे दफनाया हुआ वुडू डॉल दिखता है, जिसे वो निकाल के फेंक देता है, और फिर जब वो आगे बढ़ता है तो उसे कुरुदा दफनाया हुआ दिखता है, जो कि पूरे तरह से जमीन में दफन था, सिर्फ उसका सर बाहर निकला हुआ था। ये देख के वो केयर टेकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पे उसे होश आता है। अगले क्लास में फिर से सब इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, और सोची का ध्यान 3 दोस्तों पर जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं, और वहाँ सोची को लगता है कि 3 में से एक दोस्त, जिसका नाम इसी कावा है, वो अपने दूसरे दोस्तों को हेट करता है, जबकि ऐसा असल में कुछ भी नहीं था। तो सोची इसी कावा के पास जाकर के बोलता है कि उसे पता है कि वो कवाई को कितना हेट करता है, और उसके बदले में वो कवाई को श्राप दे देगा, इसीलिए इसी कावा को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी कावा को कुछ भी समझ नहीं आता है, और वो सोची को इग्नोर कर देता है। दूसरे दिन कवाई के पेट में दर्द होने लगता है क्लास के बीच में, तो वो बाथरूम जाता है, जहाँ उसका पेट दर्द गायब हो जाता है। लेकिन जब वो निकलने की कोशिश करता है, बाथरूम का गेट बंद हो जाता है, और वहाँ एक बड़ा स्पाइडर आ जाता है,
और दूसरी तरफ हम सोची को देखते हैं वुडू डॉल पे स्पाइडर डालते हुए, और स्पाइडर कवाई पे वेब फेंकता है और कवाई बेहोश हो जाता है। जब कवाई उठता है तो वो टॉयलेट पेपर में लिपटा हुआ था और क्लास के सभी लोग उसे आके उठाते हैं। सोची इसिकावा को बोलता है कि उसका काम हो गया, अब कवाई उसे कभी परेशान नहीं करेगा, और उसके बदले वो कहता है कि इसिकावा को इस काम के लिए उसे पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर हाथों से इशारा करता है कि वो उसे पैसे दे दे। कवाई फिर से सोची को इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। इस वजह से सोची गुस्सा हो जाता है इसिकावा पे, और फिर सोची उसे आधी रात में कॉल करता है अपनी वॉइस चेंज करके, और उसे स्कूल के पीछे वाले फॉरेस्ट में आने के लिए बोलता है, लेकिन इसिकावा समझ जाता है कि ये सोची है, लेकिन फिर भी वो फॉरेस्ट चला जाता है, जहाँ सोची एक लंबे पैरों के साथ आता है और इसिकावा को मारने की कोशिश करने लगता है, मगर फॉरेस्ट में लगे ट्रैप्स जो कि उसमें केयर टेकर ने लगाए थे वुडू वाले प्रैंक करने वाले को पकड़ने के लिए, उसमें सोची पैरों के बीच में फंस जाता है और उसकी लंबी हाइट की वजह से वो उसमें अटक ही जाता है, और इसिकावा वहां से भाग जाता है सोची को लटका छोरे। तभी फॉरेस्ट के केयर टेकर आते हैं और कहते हैं कि आज वो सोची को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और उसे अपने एक्स से काटने का ट्राई करते हैं, मगर सोची उसे डॉज कर लेता है। तभी सोची का भाई कोइची वहां आता है और वो केयर टेकर को बोलता है ऐसे ट्रैप्स लगाना इल्लीगल है, और अगर वो सोची को नहीं छोड़ेंगे तो वो पुलिस बुलाएगा। ये सुन के केयर टेकर उसे जाने देते हैं, जहाँ घर पे सोची के पेरेंट्स उसे डांटते हैं, मगर सोची के कुछ पल्ले नहीं पड़ता, और फिर एंड में वो अपने पेट फ्रॉग को देखने जाता है जो कि मर चुका होता है, और यहीं पर स्टोरी खत्म होती है। अब इस एपिसोड की दूसरी स्टोरी की बात करते हैं, हेल डॉल फ्यूनरल। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक डॉल को देखते हैं जिसका नाम मैरी है, और मैरी के सामने हम एक कपल को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये डॉल उनकी बेटी है, और एक कर्ज की वजह से वो डॉल बन चुकी है, और मैरी के पेरेंट्स इस डॉल को अपनी बेटी की लाश बोलते हैं, और आगे ये टर्म सही भी लगता है क्योंकि हम इस डॉल को धीरे धीरे टूटते हुए देखते हैं, और हम अलग अलग फेज देखते हैं इस डॉल का, जहाँ पहले ऐसा लगता है कि वो डॉल टूट रही है, और फिर ऐसा लगता है जैसे वो डॉल रॉट कर रही है, और कहानी के एंड में मैरी उनकी बेटी उन्हें आंखों के सामने पूरी तरह रॉट हो चुकी है, और कहानी यही खत्म होती है। एपिसोड 2, फैशन मॉडल द लॉन्ग ड्रीम। एपिसोड स्टार्ट होता है इवासाकी नाम के एक आदमी से, जो कि एक कैफे में एक फैशन मैगजीन पढ़ रहा होता है, और उसे एक मॉडल की फोटो दिखती है जो कि काफी अजीब दिख रही होती है। उसका फेस अनयूजुअली लंबा और पतला होता है, और आंखें बड़ी बड़ी और लाल। ये देखकर इवासाकी की रूह कांप जाती है, और वो तस्वीर उसके दिमाग से निकल ही नहीं पाती है। ये चीज उसे इतना परेशान कर रही होती है कि वो स्क्रिप्ट भी नहीं लिख पाता है, और अपने दोस्त उड़ा को ये सब बताता है। कुछ दिनों बाद उड़ा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसकी स्क्रिप्ट इवासाकी ने लिखी है, और उड़ा कहता है कि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस को हायर नहीं कर सकता है, मगर वो एक नई अननोन एक्ट्रेस को अफोर्ड कर पाएगा। तो उड़ा एडवर्टाइज करवाता है ये बात कि उन्हें एक एक्ट्रेस की जरूरत है, और बस 3 एक्ट्रेस ही अप्लाई करती है इस रोल के लिए। एक लड़की जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, उड़ा उसे देखते ही डिसाइड कर लेता है कि यही एक्ट्रेस होगी। जब वो दूसरे एनवेलप खोलता है, इवासाकी को वही मॉडल की फोटो दिखती है, जिसे देख के वो घबरा जाता है और उड़ा को दिखाता है कि ये वही मॉडल है जिसकी वजह से वो रात में सो नहीं पा रहा था। उड़ा अपने दोस्त को टीज करने के लिए उस मॉडल को भी सेलेक्ट कर लेता है, और अगले दिन वो जाते हैं एक्ट्रेस से मिलने के लिए, और जब वो सभी एक्ट्रेस से बात कर रहे होते हैं, वहाँ वही मॉडल आती है जिसे देखकर सब डर जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो भद्दी दिख रही होती है बल्कि बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, और वो अपना नाम खुशी बताती है। सारे क्रू वाले उसे देख के ओडा को बोलते हैं उसे मूवी से निकाल देने, मगर ओडा नहीं मानता है। अगले दिन वो सभी सूट करने के लिए माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं अपने कार में, और इसिकावा एक जोक मारता है और सभी हंसने लगते हैं, और ये देख कर फुशी भी हंसने लगती है, और उसके बड़े बड़े जानवर जैसे दांत दिखाई देते हैं, जिसे देख कर सभी डर जाते हैं। इसके बाद सभी शूटिंग में बिजी हो जाते हैं, लेकिन फुशी इवासाकी को घूर रही होती है, और इसी वजह से इवासाकी को अनकंफर्टेबल फील होता है, और वो फॉरेस्ट में भाग जाता है। उसके पीछे फुशी भी भागने लगती है, लेकिन इवासाकी उसे चकमा देके अपने दोस्तों के पास आ जाता है, और उन्हें कहता है
कि उन्हें फूशी को फिल्म से निकालना ही होगा, लेकिन उड़ा नहीं सुनता है। वहीं कुछ देर बाद उड़ा एक्ट्रेस के साथ मूवी के सीन शूट कर रहा होता है और ये देखकर फूशी गुस्से में बोलती है कि उसके सीन्स कब शूट होंगे, जिस पे उड़ा उससे कहता है कि उसके सीन्स इम्पोर्टेंट है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब सभी डिस्कस करने लगते हैं कि वो सभी फूशी को छोड़कर चले जाएंगे। तभी एक और क्रू मेंबर आता है और कहता है कि फूशी एक्ट्रेस को खा रही है, और वो सभी जाकर देखते हैं तो फूशी एक्चुअली में उसे खा रही होती है और कहती है कि अब मेरी बारी है, और सभी क्रू मेंबर्स को भी खा जाती है। और एंड में बस वो और इवासाकी बचे होते हैं और फूशी कहती है कि फाइनली बस मैं और तुम बचे हैं, और वो इवासाकी पर जंप करती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगली स्टोरी का नाम है लॉन्ग ड्रीम, और ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक हॉस्पिटल से, जहां हम एक लड़की को चीखते हुए देखते हैं और वो कहती है कि उसने मौत के फरिश्ते को देखा है अभी रूम में और वो जल्द ही मरने वाली है। ये सुन के डॉक्टर ट्राई करते हैं उसे बताने की कि वो कोई मौत के फरिश्ते नहीं है, बल्कि एक पेशेंट है जिसे एक रेयर डिजीज है जिसका नाम है लॉन्ग ड्रीम डिसऑर्डर। इस पेशेंट का नाम होता है मुकोडो। हम कुछ महीने पीछे जाते हैं जहाँ मुकोडो एक नॉर्मल बंदा है जो डॉक्टर को बताता है कि उसके ड्रीम्स धीरे धीरे लंबे फील होने लग जाते हैं। पहले वो ड्रीम्स एक या दो दिनों की तरह फील होते थे, मगर कुछ दिनों से ये ड्रीम्स महीनों की तरह फील हो रहे हैं। और जब वो उठता है तो उसे ये समझने में दिक्कत होती है कि वो आखिर है कहाँ, और उसे डर लगने लगता है कि अगर ये ड्रीम्स लंबे होते रहे तो वो सालों ड्रीम में ही रहेगा, और जब वो वापस उठेगा तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा, और साथ ही जितना टाइम वो ड्रीम में बिताता है उसकी बॉडी की ग्रोथ भी उसी हिसाब से होती है। उस रात डॉक्टर उसे मॉनिटर करते हैं सोते वक्त, और डॉक्टर खुद ये देख पाते हैं कि मुकोडो ग्रो कर रहा है वो भी सोते हुए, और धीरे धीरे मुकोडो बद से बदतर हो जाता है और एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है। और किसी वजह से वो मम्मी को अपनी बीवी समझता है और कहता है कि उसने सालों से उसके साथ वक्त बिताए हैं, लेकिन डॉक्टर उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। और धीरे धीरे मुकोडो सड़ने लगता है और डस्ट बन जाता है। उसी डस्ट पर जब डॉक्टर रिसर्च करते हैं तो उसमें क्रिस्टल्स मिलते हैं उनको, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता ये क्रिस्टल्स है क्या। वहीं स्टार्टिंग में दिखाई लड़की उसके भी ड्रीम्स लंबे होने लगते हैं, और दूसरा डॉक्टर समझ जाता है कि मेन डॉक्टर ने कुछ किया है। वो कहता है उसे मौत से डर लगता था, ड्रीम्स में वो सालों तक जी पाएगी, और बताता है कि उसने वो क्रिस्टल उस लड़की के खाने में मिला दिए थे, और धीरे धीरे वो भी रॉट करने लग जाती है और डस्ट बन जाती है। और इसी तरह ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आते हैं एपिसोड 3 पे। एपिसोड 3 बॉय एट द क्रॉस रोड स्लग गर्ल। ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि काफी खूबसूरत ही दिखने में है। उसके आसपास कोहरा होता है तो हम उसे पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। उसे एक लड़की रोकती है और उस लड़के से पूछती है कि क्या उसका प्यार उसे वापस मिलेगा, जिस पे वो लड़का कहता है नहीं, और फिर हम उस लड़के की डेड बॉडी देखते हैं। फिर हम जाते हैं एक हाई स्कूल में जहाँ टीचर एक नए स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं क्लास में, और ये है रियोसुके, जो कि पहले इसी टाउन में रहता था मगर फिर वो शिफ्ट हो गया और अब वो वापस आया है इसी टाउन में। उसे देखते ही मिदोरी नाम की लड़की पहचान लेती है क्योंकि वो सेम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, और रियोसुके उसे देख के काफी खुश होता है, और मिदोरी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड तनाका से इंट्रोड्यूस कराती है, और मिदोरी उसे बताती है कि पास वाले चौराहे पर एक फॉर्चून टेलर है जो कि उसे सिर्फ देख करके उसका फ्यूचर बता सकता है। ये सुन के रियोसुके कहता है कि वो इन सब पे विश्वास नहीं करना चाहेगा और गुस्से में वहां से आगे बढ़ जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि 8 साल पहले रियोसुके ने ये टाउन इस फॉर्चून टेलर की वजह से ही छोड़ा था। असल में जब वो बच्चा था तब उसे चौराहे पर एक प्रेग्नेंट लेडी ने रोका था, और वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है एक शादीशुदा आदमी के बच्चे के साथ, तो क्या वो उसे अपनाएगा और उसके प्यार को समझेगा, जिस पर रियोसुके कहता है कि नहीं, तुम्हारा प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, और फिर वो औरत सुसाइड कर लेती है, और इसी वजह से वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो टाउन ही छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो खुद को उस औरत की मौत का जिम्मेदार समझता है। और आगे रियोसुके को ये पता चलता है कि जो औरत उसके वजह से मरी थी वो मिदोरी की आंट थी, और इस वजह से वो मिदोरी को अवॉइड करने लगते हैं,
क्योंकि वो मिदोरी से आंख नहीं मिला पा रहा था। इस वजह से मिदोरी परेशान हो जाती है कि आखिर क्यों रियोसुके उससे बात नहीं कर रहा। तनाका अपने दोस्त की ये हालत देखकर रियोसुके से पूछने जाती है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन रियोसुके उसे कुछ नहीं बताता है और वो गलती से उसे चौराहे के पास चले जाती है और उसे वही ब्यूटीफुल लड़का दिखाई देता है। और तनाका उससे पूछती है कि क्या उसकी फ्रेंड को उसका प्यार मिलेगा, जिस पे वो लड़का कहता है अपने दोस्त के प्यार पे नहीं अपने प्यार पे ध्यान दो। और ये सुनने के बाद वो मिदोरी के पास चली जाती है और कहती है रियोसुके उससे ब्रेकअप करना चाहता है। और ये अच्छा ही हुआ क्योंकि तनाका खुद भी रियोसुके से प्यार करती है। और ये सुनने के बाद मिदोरी उदास हो जाती है और इसके बाद तनाका रियोसुके को स्टॉक करने लग जाती है और पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। और एक दिन वो उसे लंच बनाकर देती है, जिसे देखकर रियोसुके कहता है कि वो ये नहीं ले सकता है। तनाका उसके पीछे पड़ जाती है कि वो लंच ले ले, लेकिन रियोसुके गुस्से में उस लंच को फेंक देता है और तनाका पर चिल्लाता है, जिस पर तनाका कहती है कि फॉर्चून टेलर ने उसे बोला है कि वो अपने प्यार पे ध्यान दे और वो वही कर रही है। फिर रियोसुके उससे बोलता है कि वो मिदोरी से प्यार करता है और उसे रीजन बताने ही वाला होता है कि आखिर क्यों वो मिदोरी से दूर रहता है। तभी तनाका अपना गला काट लेती है उसी के सामने और ये देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो समझ जाता है कि ये सब उस फॉर्चून टेलर की वजह से हो रहा है और वो अब उस फॉर्चून टेलर को ढूंढ कर ही रहेगा। और फिर वो मिदोरी को जाकर सब कुछ बताता है और कहता है कि अब वो फॉर्चून टेलर को ढूंढने जा रहा है। मिदोरी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रियोसुके काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका होता है। और अब रियोसुके उसी चौराहे पर था जहाँ उसकी आंखों के सामने वो प्रेग्नेंट लेडी मरी थी और उसे उसी प्रेग्नेंट लेडी की आत्मा दिखाई देती है जो कि पॉइंट कर रही थी एक डायरेक्शन की तरफ। और वहीं दूसरी तरफ मिदोरी रियोसुके को ढूंढते ढूंढते उसी चौराहे पर पहुंच जाती है जहाँ उसे वही लड़का दिखाई देता है। और इससे पहले मिदोरी उससे कुछ पूछ पाती, रियोसुके आके उसे रोक लेता है और वो लड़का गायब हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ अकेली लड़कियों को फॉर्चून बताता है। मिदोरी कहती है कि उसने उस लड़के को देखा था और रियोसुके शॉक्ड हो जाता है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दूसरी स्टोरी स्लग गर्ल स्टार्ट होती है रिनचैन से, जो कि अपनी फ्रेंड युको के लिए काफी परेशान है क्योंकि वो काफी दिनों से बीमार है और स्कूल नहीं आई। रिन फिर उसके घर जाती है युको से मिलने के लिए और वहाँ वो युको के पेरेंट्स को स्लग मारते हुए देखती है क्योंकि किसी वजह से वहाँ पर बहुत सारे स्लग्स हैं और युको के पेरेंट्स उनपे नमक डालकर उन्हें मार रहे हैं। रिन यहाँ युको से मिलने जाती है लेकिन युको ने अपना फेस कवर किया हुआ था और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। तभी उसका मास्क खुलता है और उसके मुंह से बहुत बड़ा स्लग निकलता है। उसके पेरेंट्स ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि स्लग सॉल्ट से श्रिंक हो जाते हैं, तो वो बाथटब में सॉल्ट डालते हैं और युको को उसी में डाल देते हैं, लेकिन इससे युको की पूरी बॉडी नमक में गायब हो जाती है। और एंड में हम उसे स्नेल की तरह पेड़ पे रेंगते हुए देखते हैं और उस स्लग ने उसकी बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो ये थे 3 एपिसोड्स जूनजी इतो कलेक्शन के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हम इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी जरूर कवर करेंगे। तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।